What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 17 in the series of C language basics programming. In previous video we are learning that array, how to initialize and how to use it and how reverse the array elements and how to print it in reverse order and some other basic concepts. So in this video we are trying to learn about first two dimensional array and a basic overview of pointer which we use in array. Okay, so let's start it and try to learn it. तो अपन ने previous video के अंदर आपको कुछ questions दिए थे. तो पहला question था minimum element और दूसरा था maximum element एक array के अंदर कैसे find करते हैं ये इस के बारे में. तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले. जैसे एक array दी है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 9 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लिया कुछ 5 है. तो इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है कौन सा होगा. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ इसमें अलग से नहीं करना है, सिंपली एक लूप चलाना है और जो आपको एक वेरिएबल बनाना है, मान लिया ग्रेट, ठीक, ग्रेटेस्ट, ठीक, इस नाम से वेरिएबल बना दिए, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा और उसको इनिशियल वैल्यू 0 दे दिए. तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या जब पहली इंडेक्स पे आएंगे तो इसको दे देंगे ग्रेटेस्ट की वैल्यू. अब उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ग्रेटेस्ट की वैल्यू हमारी इससे बड़ी है. तीन, अगर तीन पे जब जाएंगे तो ये चेक करेंगे कि क्या तीन हमारा दो से बड़ा है. अगर हाँ तो ग्रेटेस्ट में फिर वो वैल्यू डाल देंगे. तो इसको ऐसे कर रहे होंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितने 5 एलिमेंट हैं, लेस देन 5, और उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद सिंपली कंडीशन चेक करेंगे, इफ ग्रेटेस्ट इज, तो आपका क्या है, बड़ा है एरे आई से, ठीक. तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको करना क्या है, सिंपली ग्रेटेस्ट के अंदर एरे आई की वैल्यू को डाल देना है. तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट की वैल्यू अपन ने 0 ली है, तो 0 से तो हमेशा जो 2 है वो छोटा ही रहेगा. तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे ना डाल के तब अपन कैसे डाल रहे होंगे, ऐसे डाल रहे होंगे, ग्रेटेस्ट इज लेस देन एरे आई. तो उसमें फिर करना क्या है, एरे आई इज इक्वल टू कर देना है ग्रेटेस्ट, ठीक, उसकी वैल्यू को ग्रेटेस्ट को दे देना है और सिंपली उसके बाद प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट, ठीक, परसेंटाइल डी, और ग्रेटेस्ट को अपन प्रिंट कर लेंगे. ऐसे करके करना है. तो ये हो कैसे रहा होगा, ये इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं सबसे पहले. तो इसको करेंगे ऐसे, सिंपली यहाँ पे ऐसे, जैसे जब सबसे पहले देखो आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करेगा, तो ग्रेटेस्ट पे अभी अपन के ग्रेटेस्ट में क्या है, 0 है, ठीक, कंडीशन चेक किया, ग्रेटेस्ट अगर 0 है, उसके बाद इधर आया, देखा एरे आई यानी एरे 0 पे वैल्यू 2 है, तो 2 हमारी जो है ग्रेटेस्ट से बड़ी है, तो ग्रेटेस्ट को अब कौन सी वैल्यू दे देंगे, 2. अब फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 हुई, तो एरे 1 पे कितना है, 3, तो चेक करेगा क्या 2 3 से हमारा बड़ा है, हाँ कंडीशन सही है, तो 3 आ जाएगा. अब उसके बाद फिर से अब एरे ये 4 के लिए चेक करेंगे सेम चीज, तो 4 क्या हमारा 3 से बड़ा है, हाँ कंडीशन सही, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट में. अब ऐसे चेक करेगा 9 के लिए, तो 9 भी आ जाएगी. अब होगा क्या, 9 के बाद जब इधर आएगा तो चेक करेगा क्या 9 5 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन टर्मिनेट. अब ये सीधे लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई कंडीशन भी उसे चेक नहीं करनी है, तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी. तो मैक्सिमम एलिमेंट आपका कितना आ जाएगा, 9 आ रहा होगा. ऐसे करके अपन ग्रेटेस्ट और सेम इसी कॉन्सेप्ट में अपन मिनिमम की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होती हैं, ठीक, लगाते हैं नेक्स्ट सेक्शन और समझते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होती है, टू डायमेंशनल एरे. तो अभी अपन ने समझा था वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशन क्या, जो एक डायरेक्शन में चल रही थी, आई उसमें, सॉरी, या एक्स एक्सिस में चल रही थी, तो ये 1 2 3 8 9 11 ये आपकी क्या थी, वन डायमेंशनल एरे थी. और टू डायमेंशनल एरे क्या होगी हमारी,
जो बेसिकली एक्स में भी चले और इधर एक्स में भी चल रही है और वाई एक्सिस पे भी चल रही है। तो ऐसे जो एरे बनती है हमारी, वो हमारी होती है टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे को अपन कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी चीज़ समझने वाली है। तो इसका डिक्लेरेशन, सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट देख लेते हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं टू डायमेंशनल एरे का। तो टू डायमेंशनल एरे में कैसे कर रहे होते हैं, एक तरफ आपको देनी है टोटल रोज की वैल्यू और उसके बाद क्या दे रहे होते हैं अपन, कॉलम्स की वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे कोई एरे बनानी है टू डायमेंशनल, तो यहाँ पे दे दिए अपन ने रो की वैल्यू और उसके बाद अपन क्या दे देंगे, यहीं पे कॉलम की वैल्यू दे देंगे। तो ये हमारा डिक्लेरेशन ऐसे होता है टू डायमेंशनल एरेज का। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट भी साथ में इनिशियलाइज करने हैं तो वो कैसे कर रहे होंगे, जैसे ये लिखिए एरे 3,3। तो इसमें अब जब आपको वैल्यूज़ देनी है तो कैसे दे रहे होंगे, सबसे पहले देंगे जैसे आपने दे दी 23, उसके बाद फिर दे दी अपन ने 56। ठीक, फिर उसके बाद दे दी मान लिया 27, फिर ऐसे करके आप तीन वैल्यूज़ ऐसे करके आप दे देंगे। ठीक, ऐसे करके आप वैल्यू सारी जो देनी है आपको एरे के अंदर आप वो दे देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर इसमें सर इनपुट ले और इसको अगर, हाँ सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो जैसे ये एक कोई एरे है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होगी, तो प्रिंट उसको ऐसे करना होता है, सबसे पहले एक लूप चलाते हैं, जैसे सिंपल एरे को प्रिंट करते थे इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, मान लिया आपकी एरे 3 तक है तो आई इज लेस देन 4, ठीक सॉरी आई इज लेस देन 3 और उसके बाद आई प्लस प्लस, ये कर दिए। और एक सिंपली दूसरा लूप चलाएंगे, वो काउंटर वेरिएबल जो दूसरा हो जाएगा वो बेसिकली आप जे ले लेंगे, तो जे इज लेस देन 3 और जे प्लस प्लस, और प्रिंट करा लेंगे सिंपली प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ठीक अगर इंटीजर है हमारा, और उसके बाद ए रे आई और जे। ठीक, ऐसे करके वैल्यूज़ को अपन टू डायमेंशनल एरेज की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक, तो इसके अंदर वैल्यूज़ देखो आ कैसे रही होती हैं। ठीक, ये आई है आपका, ठीक ये वाला सेक्शन जे है, तो देखो ऐसे अगर अपन ने बना लिया 3x3 की बनाई, तो देखो इधर आई की वैल्यू 1, 2, 3, इधर 1, 2, 3, तो इसमें आ रही होगी 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2 और 3, 3, ऐसे करके वैल्यूज आ रही होती हैं। तो सबसे पहले जो लूप चलेगा वन, यहाँ पे देखो तीनों जगह वन आ रहा है, तो जो पहला लूप आई इज इक्वल टू 1 और अंदर वाले की वैल्यू को आपको सिर्फ टर्मिनेट कराना है 1, 2, 3 और ऐसे करके अपन कर लेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज इसी में आती है, स्कैनएफ फंक्शन की मदद से वैल्यूज को होल्ड कराना, वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर रहे होंगे अपन, ये समझने वाली बात है। तो देखो अगर अपन को यूजर से वैल्यू लेनी है तो यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यूजर से वैल्यू अगर अपन को लेना है तो सिंपली कुछ नहीं, लूप यही रहेंगे और यहाँ पे प्रिंटएफ की जगह क्या कर दीजिए, अपन ले लेते हैं स्कैनएफ परसेंटाइल डी और उसके बाद एम परसेंट ए मॉडुलो ए आर आर आई और जे। ठीक, ऐसे करके अपन क्या करेंगे, वैल्यूज़ को यूज़र डिफाइंड वैल्यू ले लेंगे। ठीक, ये चीज़ समझ ली है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि इसी में कुछ आपके प्रोग्राम आते हैं, तो उससे पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी लोकेशन कैसे हो रही होगी, कितनी वैल्यू एक आपका मेमोरी में कैसे सेव होता है। तो मेमोरी में आपका देखो कंटिन्यूस उसमें ऐसे सेव होगा, सबसे पहले यहाँ पे तीन ब्लॉक्स ये होंगे जो होंगे आपके, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद दूसरा 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, ऐसे करके आपकी वैल्यूज़ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव होती हैं। ठीक, तो जैसे मान लिया अगर ये 625 एड्रेस ले रहा है, तो जो इंटीजर आपका अगर हम मान के एज्यूम करके चलें अगर 4 बाइट्स लेता है, तो आगे क्या आ जाएंगी, 625 के बाद इधर 629, फिर उसके बाद 633, उसके बाद आ जाएगा 637, उसके बाद 641, ऐसे करके आपकी वैल्यूज सारी आती रहेंगी। ठीक, तो ये चीज़ देख लिया अपन कि ऐसे वैल्यूज़ को अपन इंसर्ट कराते हैं और ऐसे वैल्यूज़ को इसमें आपकी जो मेमोरी है उसमें ऐसे स्टोर होती हैं।
अब इसमें कुछ नेक्स्ट हमारे बेसिक प्रोग्राम हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो जैसे अगर आपको प्रोग्राम आ जाए, मान लिया कि एरे की आपको सम प्रिंट करना है, कोई एक आपकी मैट्रिक्स दी है, तो मैट्रिक्स का सम कैसे कर रहे होंगे। ठीक, ये जैसे दे दिया गया 3 2 1 9 7 5 4 6 2, तो इसका सम कैसे करेंगे ये सबसे पहले देख लेते हैं कि सम करना है तो सम कैसे कर रहे होंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट। तो देखो हो ये ऐसे रहा होगा कि सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है और उसमें वैल्यूज़ को जोड़ते जाना है, जो वैल्यूज़ आपकी हैं वो वैल्यूज़ आप सिंपली एज इट इज जोड़ लेंगे। तो मान लिया एक वेरिएबल अपन ले लिए सम, देखो हाँ आप समझते हैं, सम एक वेरिएबल बना लिए, इंट सम इज इक्वल टू जीरो, जो लूप प्रीवियस चलाए थे वैसे ही लूप चला लेंगे, i इज इक्वल टू जीरो से लेके i इज लेस देन 3 और i प्लस प्लस, दूसरा लूप जो चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू जीरो, j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस, इसके लिए मान लिया कोई लूप चलाए। तो सम में आपकी वैल्यू सबसे पहले जोड़ देनी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे i कामा j, ये वैल्यूज आपको सिंपली जोड़ देनी है एरे की और उसके बाद सिंपली सम प्रिंट कर लेना है। तो इस तरह से अपन किसी भी एरे मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और यहां से अपन सम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज अपन देख लिए कि सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सम को कैलकुलेट करना है तो सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है, जैसे लूप चला रहे थे अंदर जाके वैल्यूज को जैसे प्रिंट कराते रहे थे उसकी जगह पे एक वेरिएबल जो हम बनाए हैं सम, उसमें वैल्यूज को सिर्फ जोड़ते जाना है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स में ये पता करना है कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे अपन। ये देखो ये जीरो हो गया, मान लिया ये जीरो है, सॉरी जस्ट गिव मी वन मिनट, इसको दोबारा से इरेज करके ड्रा करते हैं। देखो ये मान लिया कोई 3x3 की है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो जब i और j की वैल्यू हमारी इक्वल है, उसी टाइम पर अगर हमारी वैल्यू 1 है तो हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। ठीक, उसके बाद दूसरी जो चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू जीरो, j इज लेस देन 3, सॉरी हाँ ठीक, j प्लस प्लस। तो ये किए, अब इसके अंदर कंडीशन डाल देंगे कि इफ i इज इक्वल टू j है हमारा, ठीक, i इज इक्वल टू जब j है तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए, एरे i कामा j की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हो, और साथ में क्या होना चाहिए, जो अन्य वैल्यूज हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे आपका जो हमारा ये सॉरी ये वाला जो लूप है उसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब साथ में थोड़े से प्रोग्राम और देखेंगे हम, उससे पहले कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं कि अगर मान लिया आपको 3 डायमेंशन में बनाना है तो 3 डायमेंशन में कैसे बना रहे होंगे, सॉरी 3 उसकी बनानी है तो उसमें कैसे बनाते हैं अपन। तो देखो तब क्या कर रहे होते हैं, सिंपली ARR एक 2 हो गया डायमेंशन, एक 3 एक 1 ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक, तो ऐसे करके कंडीशन हो जाएगी। तो ये कंडीशन बेस्ड होते हैं, जैसे आपकी कंडीशन है उस हिसाब से अपन बनाते हैं इसको। तो ये चीज़ आज के वीडियो में मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिया है कि कैसे 2 डायमेंशनल एरे के कंडीशंस को चेक करते हैं, एक और दो प्रोग्राम भी बता दिए हैं। तो एरे का ये जो बेसिक पार्ट्स है मैंने आज आपको कवर करा दिया है, अब जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर अपन दूसरे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू।